Dear students, welcome to our digital channel by लालबाग Girls Inter College. Myself Mrs. Tika. बच्चों, हम लोग ने पिछले चैप्टर में स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान हाइजीन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लोग ने स्वास्थ्य का परिचय, स्वास्थ्य का अर्थ और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था. बच्चों, आज हम लोग व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे. व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ है कि अपने पर्सनल स्वास्थ्य के बारे में, अपने पर्सनल हेल्थ के बारे में. बच्चों, स्वास्थ्य मनुष्य की अमूल्य निधि है. अमूल्य निधि इसलिए कहा गया है कि अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो हम हर चीज से वंचित रह जाएंगे. सब कुछ होने पर भी स्वास्थ्य नष्ट हो जाए तो मनुष्य का जीवन नीरस हो जाता है. हम लोगों को प्रारंभ से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए. स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए. स्वास्थ्य संबंधी नियम क्या है बच्चों? समय पे उठना, सुबह उठ के ब्रश करना, वॉशरूम जाना, समय पे नाश्ता करना, खाना खाना लंच टाइम से करना, फिर रात का खाना समय पे खाना और रात को समय से सो जाना. और खाना खाने में भी क्या है, हम लोगों को संतुलित आहार, पौष्टिक आहार लेना है. इन सब अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो हम लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे और क्रियाशील और प्रसन्नचित भी रहेंगे. सत्य ही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है. बच्चों, अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे और हम लोग अच्छे अच्छे काम करेंगे. इसके विपरीत अस्वस्थ व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में अपने आप में असमर्थता का अनुभव करता है और बच्चों, उसका जीवन के आनंद से वो वंचित रह जाता है. जीवन के आनंद से मतलब अभी आपके खेलने की, कूदने की, मनोरंजन की उम्र है पढ़ाई के साथ साथ, तो अगर आप अभी से बीमार हो गए या व्यक्ति अभी से बीमार हो जाता है तो वो इन सब सुखों से वंचित हो जाता है. थैंक यू बच्चों. बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.